नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं थारू समाचार। आज हम यहाँ पर नानंगता और पूरा नाव का जो है लुत्फ उठा रहे हैं नानंग सागर डैम में। हमारे साथ नाव वाले भैया भी मौजूद हैं और यहाँ पर ये जो नाव का आनंद है ये अपने आप में बड़ा ही निराला है, क्योंकि एक जो नाविक होता है और कई सारे गाने जो हैं बॉलीवुड के इन पर फिल्माए गए हैं, इनकी नाव पर फिल्माए गए हैं और इनका बड़ा ही एक महत्वपूर्ण रोल है। यहाँ पर जो बंधा पार, बेसिकली यहाँ पर एक शब्द है कि डैम के उस पार से इस पार जो है इनका जो है आवाजाही का जो एक तरह से मार्ग यही है नाव, क्योंकि ये जो रूट है ये बड़ा ही लंबा रूट है और यहाँ से जब ये नाव के द्वारा जब ये दूरी बहुत ही कम हो जाती है और जिनसे इनकी रोजी रोटी भी चलती है और कई सारी चीज़ें जो है यहाँ जो यात्री हैं यहाँ पर जो सैलानी हैं उन्हें भी एक तरह से फ़ायदा होता है। यहाँ पर ये जो नानक सागर डैम है इसकी खूबसूरती ये है कि एक तो ये धार्मिक नगरी है ही, दूसरी बात यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरह से डेवलप करने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, यहाँ पर विधायक के द्वारा, यहाँ पर एक तरह से जो स्पोर्ट्स बोटिंग यहाँ पर थोड़ी ही दूर में की गई है। हालांकि उनका हाल अभी ये है कि उनका जो है एक तरह से जो वहाँ पर कर्मचारी हैं बोटिंग में उनके जो है पैसे नहीं निकल पा रहे हैं, इतना घाटा उन्हें जो है आ रहा है, लाखों की वोट है उनकी। क्योंकि मेला अब शुरू हो गया है तो मेला जब शुरू हो गया है तो मेले शुरू होने के बाद जो है यहाँ पर फिर से जो है एक तरह से सैलानियाँ और बड़े बड़े दूर से यहाँ पर लोग जो है मेला देखने के लिए आते हैं और वो यहाँ पर नाव का लुत्फ उठाते हैं, यहाँ की जो खूबसूरती है वो देखते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आज हम भी मेले का लुत्फ उठाने आए हैं और हमारे साथ नाव वाले भैया भी हैं जो एक तरह से उनकी आमदनी का जरिया ही ये नाव है, काठ की नाव है, कट्ठे की नाव है और इनकी मेहनत ये है कि ये बाजू से पतवार है इनसे ये जो चलाते हैं और इन्हीं से इनकी रोजी रोटी चलती है। एक सवारी का यहाँ जो घुमाते हैं वो 30 से 40 या 50 रुपए जो भी इनका तय हो पाता है वो ये लेते हैं। और मेरी आप सभी से गुजारिश है कि यहाँ पर आएं और इनकी नाव पर बैठें और यहाँ का जो लुत्फ उठाएं ताकि इनकी रोजी रोटी भी चल सके और जो है यहाँ की सुंदरता भी आप एक तरह से अनुभव कर सकें। जो आप देख रहे हैं ये बॉली साहब है, इसके आसपास ये घुमाते हैं और आप अनुभव करेंगे जब यहाँ पर जब आएंगे और नाव में बैठेंगे तो उसका ही एक अलग मज़ा है। लोग जो है कश्मीर में जाते हैं, शिकार में बैठते हैं, वहाँ की झीलों में जो है यहाँ उत्तराखंड की नानंगता, उत्तराखंड में जो है नैनीताल जाते हैं, वहाँ झील में बैठते हैं और वहाँ पर जो है लुत्फ उठाते हैं झीलों का। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है जो लोग भी वीडियो हमारी देख रहे हैं वो यहाँ पर आएँ और इन भैया की नाव में बैठें और यहाँ जो नानंगता है इसका लुत्फ उठाएँ। आप देखेंगे आपको उतना ही मज़ा आएगा जितना मज़ा आपको नैनीताल में आता है, जितना मज़ा आपको कश्मीर में आता है। हमारे साथ लक्ष्मी जी हैं और लक्ष्मी जी हमें बताएंगी कि उनका अनुभव कैसा है नाव में बैठने का। क्या कहेंगी लक्ष्मी जी आप? यहाँ पर नानंगता नाव में बैठ करके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो काठ की नाव है इसमें बैठने का अलग ही मज़ा है। यहाँ पर जो मेला लग रहा है और काफ़ी दूर दूर से लोग मेला देखने के लिए आ रहे हैं तो नाव में हर कोई बैठना चाह रहा है और लोग बैठ भी रहे हैं इस काठ की नाव में। इस नाव की यही खासियत, नानंगता मेले में इस नाव की यही खासियत है कि यहाँ पर जितने लोग आते हैं, दूर दूर से सैलानी आते हैं, यहाँ पर बैठते हैं। हमारे साथ नाव वाले भैया हैं, उनका भी अनुभव जानेंगे, उनकी आमदनी कितनी होती है। भैया एक बार आप मुझे बताएं, पर डे आप एक दिन में आप कितना कमा लेते हैं? दो तीन सौ रुपये। तो इस महंगाई के ज़माने में 200-300 रुपये एक दिन का, क्या मुझे क्या आपको लगता नहीं है कि ये बहुत कम है? कम है। अच्छा, इस तरह अभी तो खैर जो है मेला चल रहा है, लोग आ रहे हैं, तो क्या उससे आमदनी बढ़ रही है या नहीं बढ़ी है? इसमें थोड़ी बढ़ गई है पीछे। तो भैया ने बताया कि एक तरह से अभी जो इनकी जो आमदनी है वो मेले की वजह से बढ़ गई है
और जाहिर सी बात है जब यहाँ पर लोग आ रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, पंजाब से, अमृतसर से और भी कई सारे जगह से, यहाँ पर जो है नानक माता की जो एक धार्मिक नगरी है, गुरु नानक देव जी से संबंधित नगरी है, वहाँ पर लुत्फ उठाने के लिए लोग आ रहे हैं, जिनसे जो है यहाँ के जो स्थानीय वासिंदे हैं, जो रोज़गार से जुड़े हुए हैं यहाँ की पर्यटन की दृष्टि से, उनको जो है एक तरह से फ़ायदा हो रहा है। ये जो नानक सागर झील कहिए या सागर कहिए या डैम कहिए, ये उत्तर प्रदेश के जो है पर्यटन सिंचाई विभाग के अंतर्गत आता है। जब यहाँ पर हमने पिछली वीडियो जब बनाई थी तो एक नाव वाले से बात की थी हमने, तो उन्होंने बताया था कि एक तरह से हम टैक्स जो है उत्तर प्रदेश सरकार को भी देते हैं, यहाँ से जो कमाई का जो हमारे हिस्सा है उसमें से एक सर्टेन जो है अमाउंट जो है हमारा उत्तर प्रदेश सरकार को जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन ये डैम आता है। यहाँ पर कितना पानी रखना है, कितना छोड़ना है, ये जो है इस निर्णय जो है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार लेती है या उनका एक तरह से ज़्यादा हस्तक्षेप रहता है। और पिछले दिनों आपने देखा था कि बाढ़ जब आई थी तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इस डैम का जो है पानी एक तरह से बहुत ज़्यादा जल स्तर इसका बढ़ गया था, क्योंकि पहाड़ों से जो है यहाँ पर पानी स्टोर होता है, उसके बाद जो यहाँ पर नीचे है जो पीलीभीत से नीचे का इलाका है वहाँ के लोग जो है अगर ज़्यादा पानी छोड़ दिया जाता है उनका जो है जीवन प्रभावित होता है। और हमने देखा है कि यहाँ से जब पानी छोड़ा गया तो वहाँ के लोगों का जो है सजानपुर साइड के लोगों का या और कहीं जो यूपी के क्षेत्र हैं जिनसे जो है प्रभावित होता है, तो उनका जनजीवन जो है एक तरह से प्रभावित हुआ था, उनकी फसलों को जो है नष्ट हुई थी। और भी यहाँ डैम में भी खेती की जाती है, जहाँ जहाँ सूखा है उन लोगों के फसलों को भी जो है एक तरह से नुकसान हुआ था।